नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेसियों की ओर से दिए गए ज्ञापन की। दिनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर आक्रोशित कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें जिला मुख्यालय की तस्वीरें हैं। बता दें कि कांग्रेस की जिला अध्यक्ष विनीता साक्य के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे और यहां इन पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। बता दें कि दिनेश फोगाट को आयोग के घोषित करने से कांग्रेसियों में नाराजगी फैल गई है और अब कांग्रेस के पदाधिकारी प्रत्येक जनपद में ज्ञापन देते हुए अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने दिनेश फोगाट के पक्ष में राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा है। कांग्रेसी नेताओं ने दिनेश फोगाट महिला खिलाड़ी को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। ज्ञापन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का नेतृत्व कांग्रेसियों के साथ था। वही ज्ञापन देने के बाद कांग्रेस की जिला अध्यक्ष विनीता साक ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। विनीता साक, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जी। आज हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, जो हमारी विश्व विजेता हमारी जो मैच खिलाड़ी जो आज उसे मैच से जो बाहर निकाल दिया गया, वो कल तक उसकी जीत की घोषित थी, लेकिन आज उसे मतलब अपने उससे नकार कर दिया कि और हमारी हम लोग यही चाहते हैं कि आज हम लोग कांग्रेसी मिलके महामहिम राज्यपाल जी को जो हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा, हम चाहते हैं कि उस विश्व विजेता बेटी को न्याय मिले, इसी वजह से मैंने ज्ञापन दिया है। धन्यवाद।